जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार को आतंकियों ने पुलिस नाका पार्टी को निशाना बनाया। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एएसआई शहीद हो गए। लाल बाजार इलाके में आतंकियों ने सड़क पर सुरक्षा ड्यूटी कर रहे एक अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की। इस हमले में दो जवान जख्मी हैं। मृतक अधिकारी की पहचान कुलगाम निवासी एएसआई मुश्ताक अहमद के रूप में हुई है। शहीद होने की खबर उनके घर पहुंचते ही परिवार के साथ पूरा गांव शोक में डूब गया। श्रीनगर के लाल बाजार थाने में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रविवार को परिवार के साथ ईद मनाकर एएसआई मुश्ताक अहमद सोमवार दोपहर घर से निकले थे। कंधे पर वर्दी और हाथ में बंदूक लिए ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई। कुछ घंटों बाद खूंखार वैश्विक आतंकी संगठन आईएस ने अपनी मीडिया सेना AMAQ के माध्यम से हमले की जिम्मेदारी ली। जानकारी के मुताबिक जैसे ही पुलिसकर्मियों ने मौके पर मौजूद विशाल चिनार के पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, दूसरा हमलावर पीछे से आया और पहले पेड़ के पीछे पुलिसकर्मी पर और फिर पीछे से वाहन में पुलिसकर्मियों पर खिड़की के शीशे तोड़कर एएसआई मुश्ताक अहमद की हत्या कर दी। साल 2020 में मुश्ताक अहमद का सबसे छोटा बेटा अपने घर से लापता हो गया था और आतंकियों में शामिल हो गया था। आखिर मुश्ताक अवंतीपुर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा था, लेकिन उसने हिंसा का रास्ता चुना और सुरक्षा बलों के हाथों उसका अंत हुआ। श्रीनगर आतंकी हमले में शहीद मुश्ताक परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य थे। मुश्ताक अपने पीछे बूढ़ी माँ, पत्नी, बेटा और दो बेटियों को छोड़ गए। इस परिवार ने दोनों तरफ से हिंसा देखी है, सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकवादी बेटे और आतंकवादियों द्वारा मारे गए पुलिसकर्मी पिता। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय सत्य, जनता की आवाज।